2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और ये सीटें पहले के मुकाबला वोट मार्जिन से जीती जाएंगी। ये कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह का। धर्मवीर सिंह बहादुरगढ़ में चल रही 2 दिवसीय हरियाणा स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के समापन अवसर पर शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा के प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में जाएंगे। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, किस तरीके की तैयारी बीजेपी की? बीजेपी, मैं ये मान के चलता हूँ 10 तो लोकसभा सीट पहले जीती थी, इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट पहले से ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीती। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल घोषणाएं की है, जैसे कर्ज माफी है, MSP की गारंटी है, इसे किस तरीके से देखते हैं सर? उन्होंने वो घोषणा करनी चाहिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो करनी चाहिए, वो तो आगे की बात होगी ना। घोषणा उस आदमी से ज़्यादा अच्छी लगती है जिसका हाथ में कलम हो। अभी तो कलम क्योंकि बीजेपी के हाथ में और मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ठीक। इतना ही नहीं, धर्मवीर सिंह ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। धर्मवीर सिंह का कहना है कि जिस तरह की घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की हैं, अच्छा होता जिसके हाथ में कलम की ताकत होती वो करे, और फिलहाल कलम की ताकत भाजपा के पास है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।